सभी का स्वागत है। आइए देखते आज की बड़ी खबर। मोदी सरकार पर शिवसेना की स्ट्राइक, कहा देश को जानने का हक, पाक का कितना नुकसान हुआ है। शिवसेना एयर स्ट्राइक विपक्षी पार्टियों के बाद अब शिवसेना ने भी एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों द्वारा इसको लेकर सबूत मांगे जा रहे हैं। सबूत मांगने वाली पार्टियां की पेरिस में अब भारतीय जनता पार्टी की साथ ही शिवसेना का भी नाम जुड़ गया है। शिवसेना ने कहा कि देशवासियों को इस बात का सच जानने का हक है। शिवसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देशवासियों को ये जानने का हक है कि हमने दुश्मन के घर कितना नुकसान पहुँचाया है। हमें नहीं लगता है कि इस प्रकार का सवाल पूछने से सेना के जवान का मनोबल कमजोर होगा। शिवसेना ने लिखा है कि कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री इमोशनल ही हो जाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू नहीं दिखे। इस बार वो ज्यादा खुश दिखे। एक तरफ जहां पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल था, दूसरी ओर मोदी रैलियां ही संबोधित कर रहे थे। इसमें लिखा है कि पुलवामा से पहले विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगार, राफेल डील समेत कई मुद्दे थे, लेकिन अब लगता है कि एयर स्ट्राइक के बाद सभी तरह के मुद्दे खत्म हो गए हैं और हर कोई एयर स्ट्राइक की बात कर रहा है। कुछ नेताओं ने मांग की है कि सरकार वो इसके पुख्ता सबूत पेश करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने लगातार कहा है कि जो लोग एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वह देश की सेना का मनोबल कम कर रहे हैं। अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े वाले पर निशाना साधा है। शिवसेना इससे पहले भी मोदी सरकार के कई बड़े फैसले पर खड़े कर चुकी है। बीते 4 साल में लगातार शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हालांकि कुछ दिन पहले अमित शाह ने मुंबई पोस्ट शिवसेना के गठबंधन पर मुहर लगाई थी। दोनों पार्टियों में तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 38 सीटों में से 25 पर चुनाव लड़ेगी, तो वही शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब